के दाग नहीं लगने देंगे हम। क्या बात है। इस हिंदुस्तान की शान में। जय हो हिंदुस्तान। जिंदाबाद हिंदुस्तान। जिंदाबाद। लेकिन आप नहीं, जनता बोलेगी। जितने हिंदुस्तानी बैठे एक बार सीधे हाथ कर लो और कहना है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। कम से कम इनकी आवाज तो आनी चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। क्या हो पाइए दोस्तों। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। जो भी एक बूंद बची है गर्म लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। नीलाम नहीं होने देंगे। क्योंकि कहते हैं दोस्तों के दम दमे में दम नहीं। अरे दम दमे में दम नहीं। तुम खैर मांगो जान की और तख्ते लंदन तक चलेगी एक हिंदुस्तान की। आइए बताया कि दाग नहीं लगने देंगे हम। क्या बात है। इस हिंदुस्तान की शान में। और दोस्तों यदि अपनी से पे आ गए तो हम क्या कर सकते हैं। यदि बात अच्छी लगे तालियों से गूंज जाना चाहिए दोस्तों। ये हिंदुस्तान के लिए के धुआं ही धुआं भर देंगे पूरे पाकिस्तान में। धुआं ही धुआं भर देंगे पूरे पाकिस्तान में। वो दाग नहीं लगने देंगे हम। दाग नहीं लगने देंगे हम। हिंदुस्तान की शान में धुआं ही धुआं भर देंगे पूरे पाकिस्तान में। धुआं ही धुआं भर देंगे पूरे पाकिस्तान में। और दोस्तों जो जो अपने मुल्क से प्यार नहीं करता, जो अपने देश से प्यार नहीं करता दोस्तों, मैं मानता हूं कि शायद अपने माँ बाप से भी प्यार नहीं करता होगा। अरे जिसको इस भूमि से प्यार नहीं, जिसका वो खाता है, जिस पर सोता है, जिस पर रहता है, जिस पर चलता है, कैलाशी दोस्तों 300-400 रुपए पहले दे चुके हैं और 100 रुपए फिर देते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। जिसमें रहता है, अरे जिसमें समा जाता है, जिससे पेट पालता है, यदि उससे ही प्यार नहीं तो दोस्तों किससे प्यार करेगा दुनिया में। मेरे भाई ने 100 रुपए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। देशभक्ति बात पर खुश होकर कहते हैं कि झुका दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं। क्या झुका दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं। और तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं। और शैतानों से जो ले टक्कर उसे हनुमान कहते हैं। और दोस्तों जो करे गलती पे गलती उसे पाकिस्तान कहते हैं। और जो गलतियों को कर देता है क्षमा उसे ही तो हिंदुस्तान कहते हैं। हुई नहीं भर पाई है। ओ कारगिल का युद्ध
लेकर कारगिल का युद्ध याद करे कीदड़ अपनी म्यान में धुआं ही धुआं खा देंगे पूरे पाकिस्तान में धुआं ही धुआं खा देंगे पूरे पाकिस्तान में मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है। इस मातृभूमि से इस मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है और ना घर में कभी खाली मेहमान आ सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, यदि बेटी घर में है तो भूखा मेहमान जा नहीं सकता है, क्योंकि ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। ये बेटियां घर की बंद खिड़कियों को खोलती हैं। अरे बेटियां हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने हर जगह नाम रोशन किया है, बन के मीरा जहर का प्याला पिया है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं और जाके सितारे आसमां में बो गई हैं। ऐश्वर्या बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, साइना बन खेल के मैदान में खिलखिलाई। अरे सुर लता मंगेशकर सुर के समुन्दर डोलते हैं, अरे मूर्ख हैं वो जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, क्योंकि माँ की रेशमी पगड़ी बाप का रेशमी परिधान है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, वरदान है। अरे तेरी तो औकात क्या है, तू तो इतना सा है। भारत की जेल में इतने सारे कैदी भरे हुए हैं, यदि एक बार उन्हें छोड़ दिया जाए और आदेश दे दिया जाए तो पाकिस्तान रात रात में खल्लास, रात रात में साफ हो जाएगा दोस्तों। अरे अंग्रेजों ने गुलाम किया हमारे देश पर, मुगलों ने हमारे देश पर गुलामी की, हम पे गुलाम रहे, हम गुलाम रहे दोस्तों। अरे जब हमने बोना छोड़ दे तो तेरी के औकात है और के बताए है, आइए आगे निकल के माध्यम से। इस भारत के हर एक घर में एक झांसी की रानी है, एक झांसी की रानी है, एक झांसी की रानी है। नहीं शेरनी और शेरों की, नहीं शेरनी और शेरों की कमी पड़ी इस खान में। नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की दोस्तों, उसकी भूमि पर ही उसको नाक के चने चबा दिए मेरे दोस्तों। लेकिन एक सच्चाई है मेरे दोस्तों, जब ये सरकारें आती हैं, जब ये राम मंदिर की बात करती हैं, ये मंदिर बनवाती हैं और ये सरकारें ये बन जाती हैं, तो फिर मंदिर कहीं नहीं रहता, ये सिर्फ बस बात ही बात रह जाती है। तो दोस्तों वास्तव में क्या बताया कि यदि भारत की सेना, यदि भारत का नौजवान के दिमाग का कीड़ा जग गया तो फिर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा तेरे साथ में? हो फिर क्या होगा, रावल पिंडी रो रो के चिल्लाएगी जब भारत की सेना पाकिस्तान में पड़कर मारेगी। पाकिस्तान
भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर मारेगी। और दोस्तों एक बात और होगी, फिर क्या होगी, ना दफनाने की जगह मिलेगी, ना दफनाने की जगह मिलेगी तुझको कब्रिस्तान में। लास्ट में बताया है, लाल रंग के बलिदानों की अमर अजर ये झांकी है। अभी तो तूने ट्रेलर देखा, पूरी पिक्चर बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। कह दो मेरे दोस्तों मेरे साथ के धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं भर देंगे पूरे पाकिस्तान में, धुआं।